जानकारी के लिए। किशनगढ़ में डीजीजीआई के छापे, आधा दर्जन ठिकानों पर चल रही है कार्रवाई, विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। रादड, माबल, बादड, स्टोन और सहयोगियों के छापेमारी, जीएसटी और सेवा कर चोरी मामले में हो रही छापेमारी, सौरभ छाजेड़, कपिल विजय वर्गीय और मोहित विजय से जुड़ा है प्रकरण। इन सभी ने संगठित होकर किया फर्जी बिलों का खेल। तीनों आरोपियों को डीजीजीआई ने किया गिरफ्तार। फिलहाल तीनों ही आरोपी जेल में। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं और फर्जी बिलों का ये खेल है जहां तीन आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, डीजीजीआई ने गिरफ्त में लिया है। फिलहाल ये जेल में है, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है ये जानना इस वक्त जरूरी है कि इस पूरे खेल को, फर्जी बिल के खेल को कैसे अंजाम दिया गया। आधा दर्जन ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर हम तक पहुंच रही है। रांदड, माबल और स्टोन और सहयोगियों के पर ये बड़ा मामला। विमल कोठारी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, जो तीन शख्स गिरफ्त में हैं, क्या उनके उनसे जो पूछताछ हुई है उसके जरिए ये तस्वीर साफ हो पाई है कि ये खेल किस तरीके से आगे बढ़ा? ये जो खेल चल रहा है ये है, जीएसटी कानून लगने के बाद लोगों ने फर्जी बिल पढ़े और फर्जी बिलों के आधार पे आईटीसी का उपयोग किया, आईटीसी माने इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया और सरकार को राजस्व की चपत लगाई। डीजीजीआई ने, राजस्थान इकाई ने अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मिस्टर सौरभ छाजेड़, कपिल विजय वर्गी और मोहित विजय को गिरफ्तार किया है और इस पूरे इनके ओर से जो एक रैकेट बना करके जो डीजीजीआई ने फर्जी बिलों का जो मामला चल रहा था उस मामले का खुलासा किया है। इसमें पता लगा है कि 117 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी बिल इन लोगों ने फाड़े थे और उसका लोगों ने आईटीसी का उपयोग किया। इन तीनों लोगों की यहाँ कार्रवाई करने के बाद में इन तीनों को गिरफ्तार किया। हाल ही इनकी जो जमानत याचिका है वो भी अदालत ने खारिज कर दी और ये सारे के सारे जेल में बैठे हैं। जो डीजीआई की कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उन डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर डीजीआई कॉन्सिक्वेंसल में सारी छापेमारी की रही है और ये आज डीजीआई ने किशनगढ़ के अंदर 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि सभी लोग फर्जी बिलों के मामले में इन्वॉल्व थे और इन लोगों ने आईटीसी का दुरुपयोग किया। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।